नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुआशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे। हबीब नगर पुलिस स्टेशन हुदूद अफजल सागर बंगर बस्ती में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से दो लोग शदीद जख्मी हो गए। इनको फौरन दवाखाना मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई गई है। इस मामले में पुलिस से केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिए। मोहम्मद अलीम के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। अरे खराटा है हाँ, ये कैसा हुआ आपको? ये मैं वो लोग पोल खींच रहे थे तो वहीं क्या करा ऐसा पकड़ा, बच्चों के ऊपर गिरेगा बोल के तो दन बोल के वो करंट स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे काम चल रहा था, आपको नहीं मालूम था? तो चल रहा था काम, तो मतलब उन्होंने लाइट चालू रखी आपकी वहाँ पे काम करा रहे थे? वो कैसा गिरा कि यानी कि खम्भों पर ऑलरेडी है वो लोग काम कर रहे थे, उसके बाद उसमें करंट आया। उसके बाद में कैसा करंट आया? तो कितने जने थे वहाँ पे लाइट वाले जो काम कर रहे हैं? नहीं बोले आपको लाइट वाले है पे किसके घर के सामने? आप भी लाइट का काम करते हैं? हमारे घर के सामने हम लोग ठहरे थे साहब। तो इसका जिम्मेदार कौन है आपके साथ? गए उनको क्या मालूम है, डिपार्टमेंट के आदमी? मैं ड्यूटी करके खाना खाने को आया। आप क्या काम करते हैं? मैं मलेरिया का करता हूँ। मच्छर हुआ मलेरिया में? क्या रहा था उनको मालूम नहीं क्या हुआ, लगा कि आने के पकड़ने गए तो ऐसा हादसा होगा। घर के सामने वो वायर था, वो नीचे पड़ा हुआ था वायर, वो उसका जिम्मेदार कौन? और करंट वाले को रिस्पॉन्स नहीं, कोई आए तो भी कुछ बोल रहे नहीं, आके खाली लगा दे रहे, जा रहे हैं खाली देख रहे चले जा रहे। तो ये जो कॉन्ट्रेक्टर जो वहाँ पे काम करा रहे थे आपके पास, ये जो वायर गिर गया, तो ये हादसा होने के बाद उन्होंने आए वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, उनसे मालूम है ये हादसा हुआ? मालूम है उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, आदमी को भी लगा मैं सर, एक आदमी को शॉट लगा उनका चेहरा पूरा ब्लैक होगा। तो उनका नाम मालूम है? नहीं मालूम। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे।